हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। आज हम लोग बायोलॉजी का 35 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे 2024 के 12th एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन सेम एज टेक्स्ट जैसे दिया हुआ है इसमें, वैसे वैसे रिपीट हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोडन, मतलब निम्नांकित में से कौन सा प्रारंभ कूट है। तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग, इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यूएजी एंड यूएए है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है यूएए एयूजी है, एयूजी एंड जीयूजी है, और जीयूजी और यूएजी है। तो बताना है इनिशिएशन कोडन, इसको ध्यान रखेंगे, प्रारंभ कूट कौन सा है। तो प्रारंभ कूट कौन सा होता है, एयूजी तथा जीयूजी, एयूजी एंड जीयूजी बताएगा हमारा। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज, जो पक्षियों तथा तितलियों का जो डैना होता है वो कैसे होते हैं, आपस में कैसे वो लोग सिमिलर किस तरीके से, यानी एनालोगस ऑर्गन से या वेस्टिजियल ऑर्गन से या एटावेस्टिक ऑर्गन से या होमोलोगस ऑर्गन। ऑप्शन हमारे पास चार है, असमजात अंग है या अवशेषी अंग है, समजात अंग है या एटावेस्टिक अंग है। बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा एनालॉगस ऑर्गन, असमजात अंग है, यानी बर्ड को, पक्षियों को और बटरफ्लाई तितलियों को, दोनों का, दोनों जानवरों में जो, दोनों कीड़ों में जो विंग्स है यानी कि पंख है उसका इस्तेमाल उड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए एनालॉगस हो जाएंगे, असमजात अंग हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यीस्ट में प्रजनन होता है, यीस्ट में प्रजनन कैसे होता है, किस मेथड द्वारा यीस्ट में प्रजनन होता है। आपको बताना है विखंडीकरण द्वारा या मुकलन द्वारा, परागण द्वारा या बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर नंबर क्वेश्चन, फोर नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर एन ए आई इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट इन विच प्लांट, आर एन ए आई का प्रयोग किस पौधे में कीट को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। आपको बताना है किस पौधे में आर एन ए आई का प्रयोग किया जाता है कीट को नियंत्रित करने में। फोर का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तंबाकू, तंबाकू के पौधे में आर एन ए आई का कंट्रोल यूज किया जाता है पेस्ट को, किसको, कीट को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइव नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जल धारण क्षमता निम्नांकित में से किसका गुण है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से कौन, किसमें वाटर को रखने की क्षमता है। आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सोयल, मिट्टी में, मिट्टी में आप लोग देखते हैं जब हम लोग पानी डालते हैं तो क्या करता है, मिट्टी पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको होल्ड करके रखता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है, मतलब ये तो फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस स्टिकी एंड, ठीक है, स्टिकी एंड कौन से एंजाइम में उत्पन्न कराता है, कौन सा एंजाइम है जो कि प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे सिरे उत्पन्न कराता है, तो कौन सा एंजाइम है। क्वेश्चन देखेंगे इको आर आई हिंद थर्ड और सेल आई, बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स नंबर का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा इको आर आई, इको आर आई, इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग का सेवन नंबर क्वेश्चन है, लेडीज कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसका स्रावी स्रोत है, बताना है आप लोग को, लेजिट सेल आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब लेजिट सेल कौन सी जगह से सेक्रेट किए जाते हैं। ऑप्शन है एड्रिनल, पैराथायराइड, एंड्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रोजन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एंड्रोजन, एंड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एट नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है अगुणित गुणसूत्र, हैप्लॉइड क्रोमोजोम इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है हैप्लॉइड क्रोमोजोम किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा भ्रूण में, युग्मनज में, बीज में या युग्मक में, किसमें पाया जाता है हैप्लॉइड, देखिएगा हैप्लॉइड में, हैप्लॉइड क्रोमोजोम यानी कितने नंबर, हैप्लॉइड क्रोमोजोम
यानी कि हाफ नंबर, 1/2 नंबर क्रोमोजोम, ह्यूमन बॉडी में जितने नंबर क्रोमोजोम होते हैं उससे हाफ नंबर किसमें पाया जाता है, तो गैमेट में पाया जाता है ना, युग्मक में पाया जाता है ना, जाइगोट में तो हाफ और हाफ दोनों मिल करके, हाफ और हाफ दोनों मिल करके कितना हो जाता है, पूरा 42 क्रोमोजोम नंबर हो जाता है। और एम्ब्रायो और सीड, एम्ब्रायो और सीड में नहीं होता है। सबसे ऑप्शन और क्वेश्चन के हिसाब से अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, हैप्लॉयड क्रोमोजोम किसमें पाया जाता है, तो गैमेट में पाया जाता है, हैप्लॉयड क्रोमोजोम। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्राइजिन फसल को छेदक से बचाता है, बताना है विच क्राइजिन इन द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोरर, बोरर से बचाता है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे हम लोग, Cry1AB, Cry2AB, Cry1AC या फिर थर्ड, बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, Cry1AB, Cry1AB, इसको याद करें। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यीस्ट किसका मुख्य स्रोत है, यीस्ट किसका मुख्य स्रोत है, यीस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसका मुख्य स्रोत है, तो यीस्ट का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन देंगे राइबोफ्लाविन, विटामिन सी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी कि सक्रा। तो यीस्ट, यीस्ट है मुख्य स्रोत किसका, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसका, किसका विशेषता है, बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है एल्गी यानी कि शैवाल, फंजी, फनफूड, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इसका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी, आवृत बीजी इसका सही आंसर हो जाएगा, आवृत बीजी, आवृत बीजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुष्पाशन किस फल का खाया जाने वाला भाग है, थैलमस, एडिबल पार्ट ऑफ विच फ्रूट, यानी कि थैलमस होता है हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से, जिसमें से आगे फ्रूट डेवलप करता है, फल जिसमें से बनता है, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो होता है उसमें से कौन से पार्ट में से हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट होता है वो बनता है, इसको हम लोग याद करना होगा पहले, फिर ये क्वेश्चन एकदम इजी बन जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है थैलमस, पुष्पाशन किस फल का खाया जाने वाला भाग है, पुष्पाशन किसका खाया जाता है, तो थैलमस एप्पल का खाया जाता है और पियर का खाया जाता है, यानी कि बोथ बी एंड सी हो जाएगा, एप्पल का थैलमस खाया जाता है, इसलिए हम लोग एप्पल को याद रखिएगा, एप्पल को हम लोग फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, फॉल्स, फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं एप्पल को, एप्पल को फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अदरक में, 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अदरक में कायिक प्रवर्धन किनके द्वारा होता है, बल द्वारा या प्रकरण द्वारा, ट्यूबर द्वारा, जड़ों द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑपरेशन जिनमें बाय मींस ऑफ, किसके जरिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें जिंजर में होता है, तो जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है प्रकंद द्वारा, राइजोम द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अनुवादन की क्रिया वास्तव में क्या है, डीएनए संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण है, आरएनए संश्लेषण या राइबोसोम संश्लेषण, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज एक्चुअली क्या है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है, उसको बताना है आप लोगों। तो ऑप्शन, ये चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए संश्लेषण, आरएनए सिंथेसिस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकरण के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है, गोटे, खंडों में, असंत में, ए और बी दोनों या संत में, तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन लैगिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन व्हाट वे, किस तरीके में बनता है, तो बताना है हम लोग को। 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटे खंडों में, छोटे खंडों में, मोस्ट ब्लड है छोटे खंडों में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअसली ना के बराबर होता है, तो हम लोग इसको ए ही अभी मान के चलते हैं, ए, 15 का ए, 16 का तांबा उत्सर्जन करने वाला एक आयोडीन निमांकन निमांकित में से कौन है, विच तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस, इंट्रायूटराइन डिवाइस आयोडी का फुल फॉर्म होता है, तो बताना है कौन है इसमें, LNG20, सहेली, मल्टीलोड 375 या इनमें से कोई भी नहीं, तो 60 नंबर का अपना सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सॉरी इनमें से सभी, तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, एजेनिक संवर्धन क्या है? जीन संवर्धन है, या उत्तक का संवर्धन है, या बिना पोषक पदार्थ के संवर्धन, या बिना संदूषण के संवर्धन? व्हाट इज एजेनिक कल्चर, क्या है? ऑप्शन इंग्लिश में देंगे हम लोग, कल्चर ऑफ जीन, कल्चर ऑफ टिश्यू, कल्चर विदाउट न्यूट्रिएंट, कल्चर विदाउट कंटामिनेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्चर ऑफ टिश्यू, उत्तक का संवर्धन, उत्तक का संवर्धन बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है? कौन सा? पार्शियल रूट पैरासाइट है, पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा है? तो 80 नंबर का ऑप्शन देंगे, चंदन, एलोवेरा, अमरबेल या लोटा, सैंडल, एलोवेरा, कसकटा या लड़ना। तो इसका आपसे सही आंसर हो जाएगा चंदन, चंदन सैंडल। 90 क्वेश्चन देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? बताना है, घड़ियाल के लिए, गेंडे के लिए, पक्षियों के लिए, या बाघ के लिए? तो बाघ के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। 21 क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में क्या रहता है? एक्रोसोम ऑफ स्पर्म पॉजिस, स्पर्म की एक्रोजोम में, जैसे ये स्पर्म हो गया, तो इसका यहाँ पे एक्रोजोम होता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या पाया जाता है भैया? सब जाता है डीएनए, फ्रुक्टोस, माइक्रो माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, क्या पाया जाता है? 20 नंबर से ऑप्शन हो जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, हमको दिया हुआ है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा किस जनन परत में विकसित होता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कौन से जर्मिनल लेयर में डेवलप होता है? बताना है, किस नंबर का सी पहले ऑप्शन देंगे, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, मेसेनकाइम या एंडोडर्म? तो 21 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, एक्टोडर्मल जर्मिनल लेयर से हमारा, एक्टोडर्मल जर्मिनल लेयर से हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा बनता है। अगला क्वेश्चन देंगे 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पनीर तथा दही किस प्रक्रिया के उत्पाद हैं? किस प्रक्रिया के उत्पाद हैं? चीज एंड योगर्ट और प्रोडक्ट्स ऑफ विच प्रोसीजर? निर्जलीकरण, पास्तुरीकरण, किण्वन या आश्वन? बताने इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर का इंग्लिश में देखेंगे, डिहाइड्रेशन या पास्चुरेशन या फर्मेंटेशन या डिस्टिलेशन? तो 22 नंबर का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा किण्वन, किण्वन हो जाएगा, फर्मेंटेशन के जरिए, फर्मेंटेशन के प्रक्रिया के जरिए हमारा पनीर और दही क्या होता है, बनता है, फर्मेंटेशन। याद रहेंगे उसको। 23 नंबर क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस निन्यानवे में से किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो इरेक्टस भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर, होमो इरेक्टस निन्यानवे में से किसका वैज्ञानिक नाम है? जावा कपी मानो, पेंकिंग मानो, या नियंडरथल मानो, या बी और सी दोनों? इंग्लिश में इसका देखेंगे हम क्वेश्चन, होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जावा एप मैन, पेकिंग मैन, या नियंडरथल मैन, और बोथ बी एंड सी? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा जावा, जावा एप मैन। लिखते हैं हम लोग जावा कपी मानो, जावा कपी मानो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, सुंदरबान इज फेमस फॉर? सुंदरबान किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है, सागवान के वन के लिए, या फिर क्या है, निपेंथिस के लिए, या फिर मैंग्रोव पौधों के लिए, या फिर ग्रास के लिए? टिक फॉरेस्ट, निपेंथिस, मैंग्रोव प्लांट्स या ग्रास? तो आपको लोगों को बताना है सुंदरबान किस लिए फेमस है। सुंदरबान हमारा जो नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस? मैंग्रोव पौधों के लिए। 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मैंग्रोव पौधों के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, आवृत बीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुण सूत्रों का सूत्र गुणता स्तर क्या होता है? एन होता है, 2n होता है, 3n होता है, या 2n-1 होता है? द प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोजोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट डिस्कोर्स, ये है क्वेश्चन का मेन पार्ट। एंजियोस्पर्म प्लांट में क्रोमोजोम प्लॉइडी लेवल क्या होता है एंडोस्पर्म में? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3n। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? मियोसिस ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में
मियोसिस होता है, सॉरी जो पार्ट होता है अलग अलग प्लांट्स का, जैसे कोनिडिया होता है, पैरामिशियम का भी पार्ट होता है, बहुत सारा अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होता है, तो उनमें से किसमें मियोसिस होता है डिवीजन के टाइम में, किसमें किसमें अद्वसूत्री विभाजन होता है, तो बताना 26 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, कोनिडिया में, जेम्यूल में, म्यूसाइट में या गुर्बीजाणु में। 26 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जेम्यूल, जेम्यूल्स में, जेम्यूल्स में, जेम्यूल्स में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मादा जंतु में मद चक्र होता है? 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लो आप लोग, गाय में, मनुष्य में, बंदर में या ए और बी दोनों में। इसका सी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में। विच फीमेल एनिमल सो ईस्टर साइकिल, ए एंड बी दोनों, ह्यूमन में भी और मंकी में भी, काऊ में नहीं होता है। क्या है मानव शुक्राणु के एक्रोजोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? मानव शुक्राणु के एक्रोजोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो 28 नंबर का ऑप्शन देंगे अंत प्रद्वी जालिका या गोल्जी काय या लाइसोसोम या केंद्रक, एंडोस्पर्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या न्यूक्लियस, किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का, गोल्जी बॉडी द्वारा, गोल्जी बॉडी द्वारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य मनुष्य में दांत की बीमारी का रोगजनक है, कवक है, जीवाणु है, कृमि है या विषाणु है? तो कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ रिंग वर्म डिजीज इन ह्यूमंस क्या होता है? जो हम लोग इसको अपने अपने लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, दिनाए बोलते हैं, तो बताना है कि वो कौन से शुक्राणु द्वारा होता है, फंजाई, बैक्टीरिया, वर्म्स या वायरस, कवक, जीवाणु, कृमि या विषाणु? तो ये होता है फंजाई के द्वारा, फंजाई के द्वारा, कवक के द्वारा, कवक। 29 नंबर, 30 का, 30 नंबर क्वेश्चन देंगे, जिनके विभिन्न रूपों को कहा जाता है, जीन के विभिन्न रूपों क्या कहा जाता है, विषम युग्मन या पूरक जीन या युग्म विकल्पी या संपूरक जीन, हेटरोजाइगोट, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एलील, सप्लीमेंट्री जीन, क्या होता है? 30 नंबर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा एलील। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील, एलील बोला जाता है, एलील, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत किनके बीच होता है? पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत किनके बीच होता है? तितलियों तथा फूलों के बीच, जूक्लो रेली तथा हाइड्रा के बीच, हर्मिट क्रैब तथा सी एनिमोन के बीच, ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच। इंग्लिश में वो इसका देखेंगे ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज पजेस्ट बिटवीन, म्यूचुअलिज्म का प्रिंसिपल किनके बीच में होता है? बटरफ्लाईज, फ्लावर्स, जू, क्लोरेलाइन, हाइड्रा, हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन, इक्वली एंड मैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बटरफ्लाईज, तितलियां और फूलों में। 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन में है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है, यह कहाँ संपन्न होती है? कैपेसिटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, वेयर डज इट टेक प्लेस, ये कहाँ पे होती है? रेटेडेस्टिस में होती है, इपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण में, या फिर मादा जनन मार्ग में, या फिर शुक्रवाहिनी में। रेटेडेस्टिस, इपिडिडाइमिस, फीमेल रिप्रोडक्शन या फिर वास डिफरेंस, बताना है किस में होती है। 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मादा जनन मार्ग में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। कैपेसिटेशन एक प्रोसेस है जो कि होता है कैपेसिटेशन। 33 नंबर देखेंगे लोग, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सी है? एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कौन सी है? राइबोन्यूक्लिएज, आरएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लिएज या फिर टैग पॉलीमरेज, बताना है। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। 34 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन की तरह हम लोग चलेंगे, इसमें हम लोग को बताना है रिट्रोविषाणु का
आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, या बीओसी दोनों होता है? जेनेटिक मटेरियल फॉर रिट्रो वायरस, रिट्रो वायरस का, जो रिट्रो वायरस होता है हमारा, रिट्रो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या बोथ? बीएनसी बताना है आप लोगों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए, 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 याद रखिएगा इसको। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बीटी, बीटी विष क्या है? बीटी टॉक्सिन क्या है? बीटी टॉक्सिन इज व्हाट? प्रोटीन है, लिपिड है, शर्करा है, या एंजाइम है? बीटी टॉक्सिन क्या है? तो बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन हमारा जो है, बीटी टॉक्सिन इज अ टाइप ऑफ, इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन का प्रकार है ये बीटी टॉक्सिन, इसको याद रखिएगा आप लोग। प्रोटीन का एक प्रकार है, प्रोटीन का एक प्रकार है बीटी टॉक्सिन, प्रोटीन का एक प्रकार है बीटी टॉक्सिन। आज के वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है, हमारा 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस 35 क्वेश्चन के सेट में से 9 से 10 क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डिटो सेम टू सेम बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? और हमारी सीरीज में हम लोग बायोलॉजी ही नहीं बल्कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों साथ में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि हमसे जुड़े रहें और हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचे रहें। ओके।